सूर्य शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी का खास प्रोग्राम साक्षात्कार। आज हमारे मेहमान हैं पूर्व विधायक पछावा रायबरेली, समाजवादी पार्टी से विधायक थे श्री रामलाल अकेला जी। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके साथ हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से माया और अखिलेश का युगल गठबंधन हुआ है और ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, इसको आप किस नजरिए से? सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है इसका मैं स्वागत करता हूं और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की बेहद मांग थी कि सपा और बसपा दोनों एक साथ आ जाए तो हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का जो शोषण हो रहा है निश्चित रूप से गरीबों को, मजलूमों को सामाजिक न्याय मिलेगा और जो जुमलों की सरकार चल रही है देश में और प्रदेश में, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदेश की जनता सपा गठ बसपा गठबंधन के समय की मांग पर हुआ है और जनता की मांग पर हुआ है। जहां तक सवाल है मानवर काशीराम और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय गुलाब सिंह यादव जी के गठबंधन का, उस पर भी इसी विचारधारा के आधार पर हमारे नेताजी ने एक बहुत सफल प्रयास किया था, लेकिन कुछ तत्वों ने जो इस गठबंधन को और जो देश के गरीबों, मजलूमों के अधिकारों को तोड़ना चाहते थे, उनकी ताकत को तोड़ना चाहते थे, उन लोगों ने अपना दिमाग लगा के निश्चित रूप से इस गठबंधन को तोड़ने का काम किया था। लेकिन राजनीति में नए नए समीकरण बनते और बिगड़ते और मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुरानी बातें भूल करके और माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा हृदय दिखा करके, बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने ये बहुत बड़ा गठबंधन जनता के हित में किया। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और अभी जो है बसपा के साथ गठबंधन है, ये अगर गठबंधन एक्टिव रहा और पछतावा से किसी और को बसपा ने टिकट दे दिया तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी तो सवाल है लोकसभा के चुनाव, अभी हम लोगों का, हमारी पार्टी का पूरा ध्यान लोकसभा के चुनाव में है कि लोकसभा के चुनाव में हम सारे गरीब, मजलूम, सारे नौजवान मतदाता मिलकर उत्तर प्रदेश से योगी और देश से मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और जहां तक भविष्य में 1922 के विधानसभा के चुनाव का सवाल है, विधानसभा का चुनाव पछावा में समाजवादी पार्टी लड़ी नहीं थी, बीएसपी लड़ी जीत नहीं थी, इसलिए अगर वहां बंटवारा होता है या तालमेल होता है तो जिस सत्र में, जिस सन में समाजवादी पार्टी लड़ी ही नहीं तो वहां कोई आधार नहीं होगा। आधार होगा सन 2012 का, 2012 के आधार पर जो फैसला होगा और व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी और पार्टी से बड़ा होता है देश, तो जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका हम सारे लोग एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में उसका हम पालन करने का काम करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, 20 साल। मैं काफी समय से नहीं जुड़ा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के जन्म से जुड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी के स्थापना से जुड़ा हूँ। मेरा सवाल वही है कि आप निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको मंत्रिमंडल में ऐसा क्यों? ऐसा दिमाग नहीं कर रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत विशाल होते हैं और यह प्रश्न उनके बारे में करना उचित नहीं लगता क्योंकि वो दलितों को, गरीबों को,
पिछड़ों को, मुसलमानों को, व्यापारियों को, सबको जोड़कर सभ्यता मूलक समाज की स्थापना जिसका सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था, उसकी स्थापना वो करना चाहते हैं। जी, इस बार आपका जन्मदिन जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे मंशा कोई नहीं है, जन्मदिन हमारा हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मनाया, मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ और कार्यकर्ताओं ने ही सामाजिक न्याय दिवस के रूप में जन्मदिन को मनाने का काम किया। इससे ये अंदाज लगता है कि आम कार्यकर्ता जब एक समारोह को ये नाम दे सकता है तो वो तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी ये कार्यक्रम चलाया था एक सप्ताह का जो है सामाजिक न्याय और विकास का, उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं की जन श्रेणी है कि जब तक हमको सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो जाता हम सपा बसपा गठबंधन के तले निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली के अंदर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने इस गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। भविष्य के चुनाव में आप क्या भूमिका रहेगी? भविष्य के चुनाव में हमने पहले ही बताया कि जो राष्ट्रीय नेता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का है, हम लोगों को जो निर्देश प्राप्त होता है उस निर्देश पर उसका हम लोग अक्षर सा पालन करते हैं और लोकसभा के चुनाव में भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व का अक्षर सा पालन करेंगे। उन्होंने एक लक्ष्य दिया है हम लोगों को कि निश्चित रूप से सामुदायिक शक्तियों को पास करना है, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक दशा में पास करना है, यह लक्ष्य हम लोगों के सामने है और निश्चित रूप से हम लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास और मेहनत और जीत और मेहनत करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अब की बार कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, फिर भी रायबरेली और अमेठी की सीट को सुरक्षित किया गया है, ऐसा क्यों? इनडायरेक्ट रूप ये कांग्रेस को साथ लेके चल रही है। देखिए, ये मामला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, ये बड़े नेताओं का मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। वो कब किसे गठबंधन करते हैं, कब क्या समय आता है, उनके सामने क्या मजबूरियां होती है, क्या परिस्थितियां होती है, तो वो परिस्थितियों के अनुसार पर राष्ट्रीय नेतृत्व अपना फैसला करता है। उस पर जो भी हमने कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हमको अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है, तो हम अपने राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के फैसले की तरफ देखते हैं, उनका जो इशारा होता है हम उसका पालन। तो अब की लोकसभा चुनाव में आपका कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, बसपा का नहीं आ रहा, सपा नहीं आ रहा, इस कंडीशन में क्या आप लोग कांग्रेस? मैंने एक ही बात कही आपसे कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा निर्देश करेगा कि आपको अपनी भूमिका लोकसभा के चुनाव में रायबरेली में हम लोगों को किस रूप में निभानी है, उस भूमिका के बारे में जो निर्देश प्राप्त होगा उस भूमिका में हम लोग नजर आएंगे। लेकिन एक बात एकदम साफ है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे, तरीका क्या होगा ये राष्ट्रीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उस पर निर्भर करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी टीम को पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र छावा के लोगों को यह निर्देश देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ, सारे निर्देश में संदेश देना चाहता हूँ कि हमने और हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बछरावा के विकास का सपना दिखाया था, आज वो विकास बर्बाद हो रहा है। बिजली की आंख बिचौली से, आवारा पशुओं की आंख बिचौली से, किसानों के साथ हो रही ठगी से पूरा क्षेत्र परेशान है। हम क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं, हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बदला लेने का वक्त है और उसके बाद 2022 का जो चुनाव हमारा विधानसभा का आने वाला है वो सबके सामने खड़ा है और फिर से बसरावा हमारा विकास करेगा, तरक्की करेगा और
बसरामा के विकास के लिए हम सब अपने कार्यकर्ताओं की जनता के साथ मिलकर बसरामा के विकास को हम आगे लगातार बढ़ाने का काम करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारा समय चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।